मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। तशरीफ रखिए। जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, के ये जो कहूंगा सच कहूंगा। सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या इस प्रोग्राम में आपका? दानिश महमूद साहब। अच्छा, क्या मसला है दानिश? जी साहब, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ मैं। अच्छा। मेरी माशाल्लाह से बेटियां हैं और 6 बहनें हैं मेरी। तो घर का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा जनाना किस्म का है। तकरीबन हमारी शादी को 10 साल होने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि एक जो वारिस हो, क्योंकि मैं घर 6 बहनों का जो है अकलौता भाई था, तो वहां पे भी जो है मेरे भाई से मैं महरूम था, अब बेटे से महरूम हूँ। जायदाद है, बिजनेस है, बिजनेस को चलाने वाला नहीं है। विरासत में जो है मेरे बाप का नाम आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी दूसरी शादी हो। ये इनसे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। इनका नाम कहकशा है, ये मेरी फर्स्ट वाइफ हैं आयशा, और उनके साथ उनकी वालदा बैठी हुई हैं। यार देखो, दूसरी शादी तो खैर इस्लाम में है, 4 शादियां कर सकते हैं अगर आप इंसाफ कर सकते हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आप रीज़न दे रहे हैं ना, वो आम लोग ये देते हैं। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और मुझे बड़े मॉडर्न बिजनेस मैन भी लग रहे हैं, और आपके वजह से लग रहा है कि आपका बिजनेस इंटरनेशनल होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और आप बाहर बहुत ट्रैवल भी करते होंगे। तो अब क्या होता है कि ये मैं थोड़ा सा, बल्कि आपके केस के तवस्सुत से थोड़ा सा क्लियर कर दूं। मुझे इतनी मेडिकल की नॉलेज नहीं है, लेकिन जो सुना है मैंने डॉक्टर से, यार दोस्त काफी है डॉक्टर, तो वो ये कहते हैं कि ये जो मेल और फीमेल जो चाइल्ड कंसीव होता है, ये जो फीमेल चाइल्ड होता है कंसीव, तो ये बेसिकली ये मर्द की वजह से होता है। कि पता नहीं एक्स एक्स और एक्स वाई वाई होते हैं सेल्स, और पता नहीं एक्स और वाई, मुझे कुछ टेक्निकल टर्म है, बहरहाल उसका खुलासा ये है कि इसमें हस्बैंड जो है ना, बेसिकली उसका रोल होता है। औरत बेचारी ब्लेम हो जाती है कि जी इसकी बेटियां पैदा होती हैं। सारा क्रेडिट अब हस्बैंड पे तो नहीं डाल सकते? नहीं, क्रेडिट तो नहीं डाल रहा, बर्डन डाल रहा हूँ। लेकिन यह है कि खैर ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह की कुदरत होती है, और वो जैसे कहते हैं जोड़े आसमानों पे बने होते हैं, तो अगर किसी की 2 शादियां हैं तो वो भी आसमान पे ही बनी होगी। आसमान पे लिखी हुई है। जब आसमान में 70 उरे मिल रही है, तो 2-4 शादियां तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दुनिया में तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ आईनी कवानीन है 1962 के, तो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट की थी, उसे इश्तहाद कहते हैं। तो इस्लामिक लॉ तो यही है कि भाई आप कर सकते हैं दूसरी शादी अगर आपके अंदर हैसियत है, माली भी और फिजिकल भी और हर तरह से, और इंसाफ करने का जज्बा है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन आईली कवानीन में ये रख दिया था कि दूसरी शादी करने के लिए आप अपनी पहली बीवी से इजाज़त लें, अगर वो बीवी इजाज़त नहीं दे रही तो फिर यूनियन काउंसिल से लें। तो अगर आप बगैर इजाजत के शादी करते हैं तो उसमें फिर खैर बड़ी मामूली सी सजा है, टोकन है, 1,000 रुपये जुर्माना या 1 महीना कैद। तो ये है उसमें, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है उसमें, लेकिन ये कि आदमी कन्विक्ट हो जाता है चाहे जुर्माना 100 रुपये भी हो। तो अब ये सारी बातें हैं, तो मैं नहीं समझता पत्नी आपकी बेगम किस तरह रिएक्ट करेगी, और आप खातून जो है आपकी इनसे पहले से दोस्ती है? मेरी कज़न है।
अच्छा आपकी कजन है जी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा। मेरी शादी से पहले इनकी शादी हो गई थी। अच्छा, फिर ये शिफ्ट हो गई थी दुबई। अच्छा, फिर हमारे ताल्लुकात नहीं रहे थे। अच्छा, मैं अपने मसरूफियात हो गई थी, फादर की डेथ हो गई थी, तो सारी जिम्मेदारी मेरे पे आ गई, काम आप पे आ गया, तो बहनों की शादी, फिर बिजनेस। उस टाइम जो है सिर्फ एक शॉप थी मेरे पास, इम्पोर्ट नहीं था, तो वो जो है उसको फिर बढ़ाते हुए मुसलसल बिजी हो गया, तो टच नहीं रहा मेरा इनसे। हालांकि मैं काफ़ी दफ़ा दुबई गया हूँ, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन बीवी शक यही करती हैं कि मैं अगर दुबई जा रहा हूँ तो इसी को मिलने जा रहा हूँ, हालांकि उसका शोर होता है वहाँ, तो ऐसा सिलसिला कुछ नहीं है। अगर चाहता तो मैं इनको बगैर बताए शादी कर सकता था, वहाँ ले गए, इतनी हैसियत है मेरी माशाल्लाह से, तो लेकिन मैंने यही मुनासिब समझा कि खुशी से जो हो सके। जब खातून की पहली शादी डिसॉल्व हो गई, इनकी पहली शादी जो है इन्होंने डिवोर्स ले ली है, इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी, और इनके साथ जो मसला था वो था बेबी का, तो वो चाइल्ड में इंटरेस्टेड नहीं थे, और इनको शौक था, इनको शौक था। देखो यार क्या क्या होता है, किसी को लड़का चाहिए, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, है, और खुदा की रजा में किसी की रजा नहीं है, ये बड़ा अजीब सा मसला है। कई कंप्रोमाइज करना पड़ता है, हर एक ने अपनी चॉइसेस रखी हुई हैं। हालांकि अल्लाह की रजा में राजी होने वालों को बरकत होती है, और फिर वो जो चाहते हैं वो मिल भी जाता है जी, ठीक है ना, इसलिए कि अल्लाह भी तो इंसाफ करता है ना, और वो दे देता है जो चीज आप मांगो, सिद्ध के दिल से मांगो, ये है। अच्छा बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है। आयशा, ये अच्छी खबर मुझे नहीं लग रही, हाउ यू रिएक्ट? सर इनकी चार बेटियां हैं माशाल्लाह। बेटा यही तो मैं सोच रहा हूं, ठीक है ना सर, चार बेटियों के चार बेटे आएंगे, दामाद, ठीक है ना, वो भी तो दामाद आएंगे। अब ये जिस जमाने में बीवी के थल्ले लगे हुए होंगे, आप ये देखें, जब मुझसे शादी हुई उस वक्त इनका बिजनेस क्या था, हर बेटी पे बिजनेस चमकता गया यार, ये आपने क्या बात की है, अब हर बेटी पे ये बिल्कुल मेरा भी तजुर्बा है, और ये बात आपकी बिल्कुल सच्ची है। अब चार बेटे हमारे आएंगे, अभी इनको जब सब चीज सेट हो गई तो क्या जरूरत पड़ी है कि मदाखलत कर रही है वो, अच्छा लगता है सर, मैं तो अब बिल्कुल अब पागलों की तरह अपनी शक्ल देखती हूँ आईने में जाके, मुझ में क्या कमी है, मेरे पास बेटा नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, लेकिन बात क्या है यार, एक बात है, खैर मैं आपके उसमें इंटरफेयर नहीं करता, आप प्री डिसाइडेड हैं, लेकिन मसला क्या है कि हर बेटी अपनी किस्मत लेके आती है और खुशकिस्मती रहती है, आपने खुद आजमाया होगा कि हर बेटी वो कह रही है ना, तो मुझे एकदम पहले तो ख्याल ही नहीं आया जब इन्होंने किया, अल्लाह का शुक्र है मुझे उनके तो बच्चे ही हैं, नेमतों से नवाजा है, यानी हर बेटी के पैदा होने के बाद आपको जो है वो ज्यादा वो मिला होगा, वो क्या कहते हैं तरक्की का बोनस, कारोबार में बोनस मिला होगा, है ना, और फिर क्या है कि बेटियां जो है वो मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करती हैं बाप से, खसूसी तौर पे जी, मेरा तो तजर्बा यही है, लेकिन मेरे बाप दादा का नाम तो नहीं बढ़ा सकती यार, आजकल बेटियों ने इतने नाम बढ़ाए हैं, आप देखें बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेके जिंदा रही और आगे जिंदा कर गई, मेरे बाप तो स्टॉप हो जाएगा ना, इस बात का क्या सबूत है कि उनसे औलाद होगी? सर उनसे तो औलाद पहले मियां से भी नहीं है, मैं तो फिर भी चार बेटियां दे चुकी हूँ, और ऐसी कौन सी बात है कि मुझे पांचवा बेटा नहीं हो सकता, अल्लाह ने किया, छह बच के बाद हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बात सुनो, तो अगर उसको औलाद भी होती तो फिर आपके तो बोनस हो गया ना। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी, आयशा आप इल्जाम लगा रही हैं, आप पूरी बात जब नहीं जानती हैं तो आप मुझ पे ऐसे नहीं बोल सकती, जैसा आप एक्चुअली मैं चाहती थी, बिल्कुल मेरी शादी हो गई, मैं अपने हस्बैंड से बिल्कुल चाहती थी कि हमारा बेबी हो, लेकिन होता क्या था कि मैं जब भी उनसे कहती थी, लेकिन वो कहते थे हो जाएगा हो जाएगा, क्या इतनी जल्दी, अभी लाइफ जीते हैं, अभी जी रहे हैं, कोई मसला नहीं है, इतना होता था कि कभी भी हम किसी भी पार्टी वगैरह में भी जाते थे तो हमारी जितनी भी सारी फ्रेंड्स वगैरह होते थे फ्रेंड सर्कल में, वो सब मुझे कहते थे और कब गुड न्यूज़ सुना रही हो, तो मैं आके फौरन अपने हस्बैंड से ये जिक्र करती थी, ठीक है, तो हस्बैंड मेरे मेंटली तौर पे या लाइक जो भी वो नहीं रेडी थे, वो मुझे ये कहते थे हो जाएगा हो जाएगा, तो यही हमारी वजह बनी आगे डिवोर्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड थी और वो नहीं थे। ये क्यों, मतलब क्यों इंटरेस्टेड नहीं था वो बंदा? वो मतलब अभी लाइफ को एंजॉय करना चाहते थे कि इतनी जल्दी क्या है, बच्चे मतलब बेबी हो जाते हैं, ये जैसा आप अपनी अपनी सोच की बात है, जिम्मेदारी से भाग रहा होगा बंदा कि स्कूल छोड़ के आना पड़ेगा, सुबह सुबह जाना पड़ेगा और 7:30 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल की घंटी तो 7:30 बजे बज जाती है, गेट बंद हो जाता है,
तो 7 बजे निकले घर से, फिर पहुंचते हैं, वक्फा लेते हैं, फिर आपसे स्कूल टाइमिंग पूछते हैं। आप जब दानिश के पास कुछ भी नहीं था, वक्फा लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। अच्छा, उनको देखते ही दम याद के बच्चा बगल में डंडोरा शहर में फिर हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने घर में लड़की और वो ढूंढती फिर रही है बाहर। जी अच्छा, हाँ बेटा आप बोल रही थी वक्फे से पहले। सर ये उस वक्त कहाँ थी जब दानिश के पास कुछ नहीं था। मैंने दानिश के साथ सारी चीजों को फेस किया है, जो खिलाया उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, जो पहनाया उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया, इन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मैट्रिक में मेरी शादी हो गई थी, आज मैं बीए पास हूँ माशाल्लाह से, 4 बेटियों की अम्मा हूँ, तो मेरा घर एक सेट है। अब किए किराए पे सब कुछ करके ये आके मेरा घर बिगाड़ेंगे, अब सोचे मेरा दिल क्या करेगा, मैं तो किसी हाल पे भी नहीं मान सकती। एक्चुअली जैसा मैं यहीं पर ही थी। जी जी, आप बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब उससे पहले नहीं थी, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इनकी जो मदर थी, आप इनसे पहले थी। जी मैं इनकी कजन हूँ। हाँ, कजन हूँ। ठीक है, हुआ क्या था कि इनकी मदर जो है वो मुझे थोड़ा सा डिसलाइक करती थी। अच्छा, आई डोंट नो कि उनका क्या रीजन होगा, क्योंकि इनकी मदर जो है पर्सनालिटी क्लैश हो जाता है कभी कभी। तो यही रीजन था कि उनकी मदर की, आपके अंदर वैसे कोई डिसलाइक करने वाली चीज नजर नहीं आई अभी तक मुझे, उनकी मदर की वजह से ही वेरी पॉसिबल वेस्टर्न प्लीजिंग पर्सनालिटी है। हाँ, वेरी ब्राइट प्लीजिंग पर्सनालिटी है। अच्छा, सो यही रीजन हो सकता है कि इतनी करीबी कजन होने के बावजूद भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उन्होंने मुझे ड्रॉप किया और वो अपनी मनपसंद बहू लेकर आई है, ये भी हो सकता है। जी बेटा आप क्या कह रही थी? मेरी मामा बोलेंगे। हाँ, आंटी बताएं। ये अपनी आपकी जी, बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरी सहेली थी। एक दिन मुझे कहा कि मेरी लड़की की शादी करवा दो, मेरे लड़के की शादी करवा दो दानिश की। तो मैंने कहा कि आपके तो घर में बच्ची है तो इससे क्या कहते हैं आप करें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत मॉडर्न है, पैंट शर्ट पहनती है और इस तरह आती जाती है, तो मुझे ये पसंद नहीं है। अच्छा, आंटी को मॉडर्न लोग पसंद नहीं, लोग पसंद नहीं था। उनका बेटा बड़ा ठीक ठाक मॉडर्न है, उसकी तो दाढ़ी भी मॉडर्न है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अचानक ऐसा हुआ, एक दिन हमारे घर आई तो हमारी घर में क्या कहते हैं, मेरी बेटी जो थी ना वो चाय लेकर आ गई उनके आगे। तो जब चाय लेकर आई तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं, उफ मेरी तो तकदीर फूटी, मुझे अब करीब लड़की घर में है और बताओ मैं ढूंढती फिर रही हूँ रिश्ता, यूं इनकी शादी हुई है। अच्छा जी, उनको जी, देखते ही दम याद के बच्चा बगल में डंडोरा शहर में फिर हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने घर में लड़की और वो ढूंढती फिर रही है बाहर। जी उन्होंने मुझसे कहा, होता है अक्सर। हाँ, जी हाँ, होता है। बस वो घर की कदर नहीं होती ना। जी हाँ, तो कहा कि मुझे ऐसे ऐसे मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहती हूँ दानिश की। मैंने कहा ठीक है कर ले आप, मैं आपको। दानिश ने भी देखा इसको? नहीं, दानिश ने देखा था, आते जाते थे हमारे यहाँ। अच्छा, आते जाते थे अपनी अम्मी के साथ। अम्मी के साथ? हाँ, अम्मी को छोड़ना, अम्मी को लेके जाना, ये रहता था। दानिश ही लाते थे? जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो फिर दानिश की अंडरस्टैंडिंग हुई इनसे? नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, मतलब डायरेक्ट शादी हम लोगों ने करी है। आपने डायरेक्ट शादी कर दी, फिर इनकी बच्चियों की तरबियत सारी चीज मैंने की है सर, मैंने इनके साथ बहुत मौसीकार। अब जो अच्छा वक्त शुरू हुआ तो ये टपकी, अब मैं क्या करूँ? अब बताएं, मेरा घर बसा बसाया घर कौन औरत होगी जो बर्दाश्त करेगी? आपको पता है सर, औरत की ना छठी हिस्स नहीं होती, सातवीं हिस्स होती है। अरे ये बताओ ना। हाँ, सातवीं हिस्स होती है, और हम बीवियों की तो बहुत ज्यादा, हम इनके चेहरे की रंगत देखे और नहीं तो क्या, इनके चेहरे की रंगत होती है सर, इनके चेहरे की रंगत देख के मैं पहचान लेती थी कि आज भाई कोई अच्छी कोई लड़की वगैरह से इनकी मुलाकात हुई है। ये है ही ऐसे दिल फेंक आशिक, लेकिन घर में आते भी सेट हो जाते हैं। अभी ये 4 दिन का घर आते थे सेट हो जाते थे। बिल्कुल, ये 4 दिन का बाहर से आते थे तो सेटिंग करके आते थे, बस ये तो इनका चक्कर चलते ही रहता था। मैं इनको आप इग्नोर करती थी? बिल्कुल, क्योंकि मुझे घर चलाना है सर। एक दिन क्या हुआ, वो एक लेडी सेक्रेटरी अपने बॉस को कहती है जी कि सर पता नहीं बेगम साहिबा मेरे ऊपर इतना शक क्यों करती है। बॉस ने कहा असल में तुमसे पहले वो मेरी सेक्रेटरी रह चुकी है। सर अब ये देखिए, मेरा घर बसा बसाया, मैं नहीं चाहूंगी कि मेरा घर टूटे, बस साफ बात है, वरना मुझे इनसे खुला चाहिए बस। ओए नहीं नहीं भाई, तुम खुला क्यों? अरे बाबा छोड़े, नहीं तुम्हें खुला नहीं लेने की जरूरत है, मेरे पास मेरी 4 बेटियां, जैसा के पास आए ना जैसा फैसला करेंगे। ऐसे जज्बाती होने की जरूरत नहीं है सर, क्या करूं मेरा घर टूट रहा है ना। अब ये देखें,
क्यों भाई तोड़ रहे हो? ये तो बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रही है, अभी से नहीं शुरू से डे फर्स्ट से यही अभी तक यही समझती है कि मैं इसके साथ। अच्छा थोड़ा सा ये तो बताएं, उन्होंने कहा कि औरत की 6 नहीं 7 हिस्से होती हैं, तो ये क्या मतलब, ये कौन सी हिस्से पकड़ती है आपको? हिस्से नहीं सर, ये वहाँ पे फोन करके जो है ऑफिस में पूछती रहती है सबसे, इन्वेस्टिगेशन रखी हुई, यानी ये समझे मेरा घर नहीं CIA सेंटर है। मैं घर पे पहुंचता नहीं हूँ, पहले से पता होता है कि मैं आने वाला हूँ, फिर बता देती है खुद ही कि आज तो आप वहां गए थे ना, आज आप उससे मिले, आज आपने ये किया। मैं कि तुम्हें कौन बता रहा है? सेंसर लगाया हुआ है। सेंसर लगाए हुए इन्होंने सर, जो ये परफ्यूम की खुशबू लगाते हैं ना, और फिर जब आते हैं तो दूसरी खुशबू आ रही होती है, लेडीज की परफ्यूम की खुशबू, जाहिर है जब भी मुझे पता चल जाता है। इसी पर मैं कह रही हूँ कि छठी हिस्से ज्यादा सातवीं हिस्से होती है हमारी। अब बताएं मैं कैसे बर्दाश्त करूं? लगा रही है जैसा। और फिर सोचा सर इधर उधर लिपस्टिक तो नहीं लगी होती? नहीं नहीं ये तो नहीं है, देखा मैंने लिपस्टिक तो नहीं होती, परफ्यूम की खुशबू दूसरी आ रही होती है। अच्छा वो अपना स्प्रे कर देती है? पता नहीं क्या करती, उनसे क्या करती पूछना नहीं, कुछ बताओ ना आपको। मैं क्या बताऊं सर? अच्छा देखिए अच्छा आपसे पूछ रहे थे हमारी मालूम के लिए, ये परफ्यूम की ऐसा कुछ भी नहीं, खुशबू कैसे बदल जाती है? किसी लड़की को कर लेते हो? ये इनका सिर्फ वहम है और कुछ है ना जी। मैं जो परफ्यूम अभी भी मैं वही परफ्यूम लगाया हूं, आप आज की दफा अभी भी मैं वही परफ्यूम लगाया हूं और ये मेरे बराबर में बैठी हुई है अभी भी आगे इसमें। अरे नहीं नहीं तो आप आज की दफा रास्ता रोक इत्र लगा लिया करो, ये मुझे करना पड़ेगा। जिस तरह ये चला के दिखा रही है मुझे भी इसकी तरह चला करना पड़ेगा। वो कई दफा लोग लगा के मैं क्यों नहीं चला के दिखाऊंगी? मेरे पास 4 बेटियां हैं और वो भी आप ही की है ना, मेरी भी बेटी, तो उनके लिए तो मैं सोचूंगी ना, मैं तो ये नहीं सोचूंगी कि दूसरी औरत आ जाए। और फिर मुझे क्या कह रहे हैं कि आप नीचे रहो पुराने वाले घर में, मैं ही नीचे रहूं, ये ऊपर आ जाएंगे। अब आप सोचे जरा, मेरा जो पूरा जी वो सारा जो बना है वो इनको मैं दे दूं, जो मैं बना रही हूँ, मैं खड़े होती हूँ, ये तो ऑफिस और बिजनेस को देख रहे होते हैं, सब चीज मैं कर रही होती हूँ, और इनको मैं दे दूं कैसे? तो आप ऊपर चले जाओ, मैं इसे नीचे ले आऊंगा। नहीं मुझे तो रहने ही नहीं, इसके मैरिज में भी रहने को तैयार है। नहीं इनकी बात मान जाओ बस। नहीं कह रहे हैं गैरेज में सो जाऊंगा। मुझे फिर खुला चाहिए। मैंने इनका कोई फिर खुला का नाम लिया? मैंने आपको मैंने क्या ना खुला का नाम लिया? सारी चीजें इनकी क्यों खुला लेंगे आप? देखे ना बच्चों की सारी एक एक शॉप इनकी, एक एक बेटी के नाम की हुई है। सर एक वक्फा लेते हैं फिर ये सुनते हैं आपकी सारी जिम्मेदारियाँ। नहीं ये तो कह रही होगी ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सर बेटा 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 लगा के रखा हुआ है, जिंदगी को अजीरन बना दिया इन्होंने, यकीन जाने कभी इनको ताला नहीं दिया, कभी गुजर रही थी, कभी इनसे फाइट नहीं की इस सिलसिले में। अच्छा जी तो वक्फे से पहले आप बता रहे थे कोई बच्चियों के लिए शॉप्स वगैरह आपने कोई अरेंज किया है, क्या किया है? जी मेरी जो शॉप्स है मैंने हर बेटी के एक एक नाम की हुई है ताकि आगे ये फाइट ना करें मुझसे, और जो है इनका हक में पहले से दिया हुआ है, इनके पास है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी इनकी जायज ख्वाहिशात पूरी हुई हुई हैं। सिर्फ मैं एक बेटा चाहता हूँ जो इससे हो या इससे हो। नहीं ये तो कह रही होगी ना, एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। सर बेटा 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 लगा के रखा हुआ है, जिंदगी को अजीरन बना दिया इन्होंने, यकीन जाने मैंने कभी इनको ताला नहीं दिया, कभी इनसे फाइट नहीं की इस सिलसिले में, कभी इस सिलसिले में मेरी फाइट नहीं हुई है, कभी मैंने इनको ताना नहीं दिया। ताना? आप तो ताने के बजाय एक पूरा पूरा ताना बाना लेके घर में आ रहे, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? सोचे सर मेरा पूरा ऊपर का घर मैंने खुद बना रही हूँ और मैं इसको दे दूं, मैं कैसे करूं? मैं तो किसी हाल में भी नहीं कर सकती। मतलब बेटा मैं तो इस बात को बिद्दत समझता हूँ, पता नहीं क्या समझता हूँ, मुझे लफ्ज नहीं आ रहा कि वो जो बंदा इस तरह से ये कहे कि शादी करे जी, ये मुझे दूसरी बीवी में से बेटा चाहिए, मेरा जो तजुर्बा है उसमें से 6 बेटियां हो जाती हैं अगर आप में से 4 है तो, देरी तो अल्लाह ने है ना, कोई बंदे ने थोड़ी बनानी है, वो तो उसको पता है कि आगे क्या देना है। मैं तो बिल्कुल बवाल नहीं कर सकती, बेटों से कोई खराब नहीं होती, बेटों से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इनको कहें कि या तो फिर मुझे तलाक दें और रहे इनके साथ। नहीं नहीं तुम क्यों तलाक लोगी? तलाक क्यों लोगी? ये जाए तो ये जाए अपने ये लोग कितने गल होती हैं लाइक ड्रामास खवातीन लाइक आपके सामने ही है। मुझे ड्रामा कह रहे हो? सही से एक नाम चाहिए, एक मर्द साथ चाहिए ताकि माशरे में
मैं एक अच्छा सर्वर और वो मेरे कजन ही अगर मुझे देने तो इसमें मुझे तो मैं कैसे दानिश को बर्दाश्त करूं कि सर मैं कैसे बर्दाश्त करूं मैं भी तो आपको बर्दाश्त करूंगी ना आयशा मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती आप क्यों बर्दाश्त कर रही हैं क्यों दानिश किसी और के साथ शादी कर लेते हैं तो क्या सोचती है कि वो इनके साथ रहेंगी वैसा भरोगे तो आप सारा आंटी के ऊपर डाल रहे हैं जाहिर सी बात है जैसा जब इनको पता था कि मेरी इन्वॉल्वमेंट है मेरी अम्मी को समझाने के बगैर उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी और जैसा साहब इस बात की क्या श्योरिटी है कि मैं तो जैसे इनको अपनी सिस्टर मान के रहना भी चाह रही हूँ कि भले पोर्शन वाइज हमें डिवाइड कर दें लेकिन अगर ये किसी और से कर लेते हैं फॉर सपोज बेटे के लिए क्योंकि उन्हें शादी करनी है तो क्या है वो लड़की इनके साथ इनको बर्दाश्त करेगी तो बस मुझे परवाह नहीं है बिल्कुल मुझे मेरे लिए काफी है कि मुझे उनका नाम चाहिए बस और मैं दानिश के बगैर नहीं रह सकती सर मैंने बड़ी मुश्किल से अपना घर वो किया मेरा घर मेरी जन्नत ये मेरा आशियां जन्नत अब वो बिगाड़ रही है आके मेरा घर हाय हाय आप खुद सोचे सर तो आप कैसे बर्दाश्त मैंने किया आपको मैं आपको डाइवोर्स कर दे आपकी सारी हरकतें बर्दाश्त करती हूँ ये नहीं बर्दाश्त कर सकती जब सारी बर्दाश्त करती है तो अब उसमें बच्चा भी पैदा करना है वरना वो ऐसे गर्लफ्रेंड भी चलती रहती है क्या सबूत है कि उसके पास बच्चे पहले भी नहीं है उसके पास है पहले भी औलाद नहीं है उसकी तो नहीं नहीं वो बिया नहीं करता था क्या सबूत है क्या यही सबूत सही है? कह रही है आयशा को जरा प्लीज कंट्रोल करवाइए ज्यादती कर ये देखिए आप इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है आप मेरी बीवी आप मुझसे वो करें आपकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ अपना जो है सारा आप मुझे बदनाम कर रही हो घर में बैठ के बात कर लेते इससे अच्छा तो सर गलती मेरी है जो मैंने इससे परमिशन मांग ली है मैं चाहता तो छुप के शादी कर लेता वो बेहतर रहता मेरे लिए ऐसे नहीं नहीं ऐसे कैसे उगी होती तो आपको तो सेवन सेंसेस हैं आप वो परफ्यूम भी सूंघ लेती हैं इसीलिए मैंने इनको कहा कि अभी रास्ते में ना वो छोटी शीशी रास्ता रोक इतर वो 10 रुपए की इसी तरह करना पड़ेगा मुझे वो 5-6 जेब में रखा जब ये चलाकी दिखा रही है तो मुझे भी अब दिखानी पड़ेगी चलाकी तो आप दिखा रहे हो सब चलाकी दिखाई मुझे पकड़ती दानिश वो मस्जिद के बाहर बेच रहा होता है जो मैं 10-10 रुपए वाली ओ आप लगाओ फिर ऐसे देखो सर में दर्द हो जाए पूरे मोहल्ले के ये फिर वैसे ही छोड़ के चली जाती मैं इसमें कोई बर्दाश्त ही नहीं कर सकती सर कि दानिश किसी और का हो बस या तो फिर आप मुझे ऐसा करें कि मैं इनसे खुला ले लूं बस एक म्यान में दो तलवारें बेटा ये बार बार खुला वाली बात मत करो देखो ये कोई ऑप्शन नहीं है एक म्यान में कैसे दो तलवारें रहेंगी आप बताएं देखिए हमारे मजहब में तो है ना तो अब बाहर मुल्कों में तो नहीं है अमेरिका में तो पॉलीगैमी में आपको अंदर कर देंगे समझे ना जी मैं दानिश की मोहब्बत किसी और के साथ देख ही नहीं सकती मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकती मुझे फिर इनके साथ नहीं रहना मैं अपनी बच्चियों को लूंगी और कहीं और चली जाऊंगी या इनको बोले कहीं और जाए शरई तौर पे मैं कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बा हैसियत हूँ जिस मौलवी के पास जाओ ठग से पहले तो नहीं थे तुम अभी की बात नहीं करो अभी की बात करें अभी की क्या बात अभी की बात करें अभी यहाँ पे हम जज साहब के पास बैठे हुए अभी की बात करें कल की बात ना करें अभी की बात करें प्रेजेंट की बात करें उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोलते थे उस वक्त तो बड़े मेरे चापलोसी ही करते थे हाँ हाँ आयशा ऐसे कभी कोई चापलोसी कंप्रोमाइज किया मैंने आपकी अम्मी ने मुझे फंसाया है आपसे शादी करने का आपकी अम्मी ने फंसाया वो तो बेचारी मरुमा हो गई मैं उनको क्या अगर आपकी अम्मी नहीं होती तो मैं भी यहाँ इनसे शादी कर चुका होता और जज साहब के पास नहीं वो तो आपकी अम्मी नहीं चाहती थी ना कि मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की मुझे मुझसे नहीं करते दानिश को चाहिए कि अकलमंदी सुनना चाह रहे हैं अकलमंदी और होश देखिए वो तो पार्टी है वो अग्रीब पार्टी है उसके ऊपर तो जो भी है जुल्म भी हो रहा है लेकिन आप बड़ी हैं मतलब कोई हमें गाइड करें कि किस किस तरफ मैं फैसला करूं फैसला तो मैंने करना है मैं ये कह रही हूं मुझे कुछ गाइड करें ना असिस्ट करें कि दानिश को चाहिए कि होश से अकलमंदी से काम ले और ये लड़की कल की आई हुई उसको ज्यादा आंटी आप मुझे कल की आई हुई नहीं बोले मैं उनकी कजन पहले हूं मेरी बेटी फर्स्ट है मुसलसल आप और आपकी बेटी मुझे कल की लड़की इस तरह नहीं बोल सकती अभी तक सब कुछ इसका है अभी तक सब कुछ इसका है एक्सक्लूसिव ओनर है मेरी बेटी का अब कल से दूसरा पार्टनर आ जाएगा मैं एक मिनट वक्फा लेता हूं फिर उसके बाद देखें यहीं से शुरू करते हैं और आंटी आपसे शुरू करेंगे
क्योंकि थोड़ा अब हमें गाइड हम फैसले की तरफ जा रहे हैं जी, 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 लेकिन आपकी विजडम की जरूरत है, आप बड़ी हैं तो मुझे फैसला करने में आपकी मदद दरकार है। ठीक है, वक्फे के बाद और भी एक चीज और सर, इनसे ये कहें, ये वादा करें कि जब इनको अगर बेटी पहली बेटी होती है तो ये फिर तीसरी शादी करेंगे। अच्छा जी, तो आपसे हम वक्फे से पहले कुछ मशवरा भी ले रहे थे, गाइडेंस भी ले रहे थे जी साहब, कि क्या करना चाहिए, अपने तजुर्बे से कुछ बताइए जी साहब। मैं कहना चाहती हूँ कि दानिश तुम मेरी दोस्त के बेटे हो, अपनी मरहूम माँ का ही दिमाग में रख लो, थोड़ा सा उसका ख्याल कर लो और सोच लो समझ लो, उसके बाद कोई फैसला करना। ये जल्दी के फैसले जो होते हैं शैतान के फैसले होते हैं, लिहाजा इस फैसले को यहीं पर रोको, अभी अभी कुछ सोचो समझो। और यह कि मेरी बेटी में देखे कोई कमी नहीं है, किसी बात की कमी नहीं है, बहुत प्यारी है, हैं पढ़ी लिखी क्वालिफाइड है मेरी बेटी, हैं बच्चों की माँ है, तो आप इस चार बच्चों की माँ, चार बेटियों की माँ है, आप ऐसा फैसला करेंगे जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होगा, ना मेरी बेटी को हो रहा ना मुझे हो रहा है। बस मामा चुप करें, दानिश मैं तैयार हूँ, ठीक है आप मुझे लिख के दीजिएगा, मेरी चारों बेटियां मेरे पास रहेंगी और आप मुझे खुला दें या तलाक दें, जो भी देना है वो दें, लिख के जैसा इनसे लिखवाइए कि ये जो है लिख के दे कि चारों बेटियां मेरे कस्टडी में होंगी, मेरे पास होंगी, ठीक है करें वो दूसरी शादी आराम से, मुझे कोई जैसा वो नहीं है, दूसरी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी जान इनको नहीं दे सकता, बेशक ये मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपनी जान इनको नहीं दे सकता। उनको मैंने बचपन से मेरे हाथों में रही है, वो मेरे सीने पे सोती है, मुझे इतना प्यार है कि मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं उनको इनके हवाले नहीं, मेरी जान ले रहे हो और फिर उसके बाद बोल रहा हूँ इस तरह की बात है। सॉरी नहीं, आप कुछ और कह दें, मैं वो कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटियां नहीं दे सकता, सवाल ही पैदा नहीं होगा। लिख के दे, मेरी चारों बेटियां मेरे पास मेरी कस्टडी में होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो आसरा ही वो है। नहीं तो मिलेंगी माँ को, वो तो है, इनको विजिटिंग राइट दे देंगे। नहीं ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल राजी हूं, मैं नहीं दे सकूंगा, मैं इस बात पे बिल्कुल राजी। सर बात ये है कि वो सौतेली माँ के पास तो बेटियां नहीं छोड़ेगी ना, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं भी नहीं छोड़ दूंगा। नहीं, मेरी चारों बेटियां मेरी कस्टडी में रहेंगी, जिस तरह से मैं उनकी देखभाल करती हूँ, मैं उनको पालती हूँ पोसती हूँ, इतना बड़ा किया है, मैं अपनी बेटियों की अपनी जिम्मे, और बच्चियों से पूछ लें अगर बच्चियां इनके पास रहना चाहें तो ठीक है। नहीं वो माइनर का कंसेंट ठीक है, मटेरियल होता है, लेकिन हम नहीं लेते अभी, तो वैसे भी राइट ऑफ इजानत है, इसमें मैं हमेशा बताता हूँ, फिर दोबारा फ्रेश करने के लिए बता देता हूँ कि सुन्नी मुस्लिम लॉ जो है उसमें 7 साल तक का बेटा और 11 साल तक की बेटी माँ के पास एज ए मैटर ऑफ राइट रहते हैं, उसे हिजानत कहते हैं, ये अरबी का लफ्ज है, लेकिन ये गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट में भी अंग्रेजों के जमाने से ही हिजानत ही शो हुआ है, पता नहीं अब इसका मतलब क्या है, लेकिन HIZANAT हिजानत हम भी यही लिखते हैं, तो वो माँ का राइट होता है, माँ के हिजानत में होते हैं। और फिर ये शिया लॉ में 2 साल तक का बेटा और 7 साल तक की बेटी एज ए मैटर ऑफ राइट माँ के पास रहते हैं, अनलेस के मदर इज डिसक्वालिफाइड फॉर सर्टन रीजंस। वो डिसक्वालिफिकेशन बड़ी नॉर्मल है, एक तो ये कि खुदा ना खास्ता माँ लुनाटिक हो, मेंटली साउंड ना हो, तो इस वजह से, और बच्चे की वेलफेयर उसके पास ना हो, बच्चे की जान को खतरा हो, तो ले लेते हैं। दूसरा ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई करेक्टर में इस तरह की कमी हो कि जिस पे बच्चों पे रिफ्लेक्ट करने का गलत एडवर्स कोई हो, तो वो होता है, वो साबित करना बड़ा मुश्किल है, और आजकल कजफ का कानून है, अगर आप झूठा इल्जाम लगाएंगे तो 80 कोड़े इल्जाम लगाने वाले को लग जाते हैं। तीसरा जो था अब नहीं है इतना कि मदर की सेकंड मैरिज हो जाए, लेकिन अब कुछ जजमेंट्स इस तरह की आ रही हैं कि सेकंड मैरिज जो है वो कोई इतनी बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, बच्चों की वेलफेयर देखनी है, अगर माँ के पास हैं तो माँ के साथ वो स्टेप फादर के पास भी रह सकते हैं, जजों ने ये लिखा है कि कोई ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है, तो मकसद सिर्फ 2 ही डिस्क्वालिफिकेशन है, मेंटल एंड करेक्टर, अदरवाइज माँ के पास हर सूरत में बच्चे रहेंगे। हाँ, माँ का माली तौर पे कमजोर होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर बाप अमीर आदमी है तो अपने खर्चे से बच्चों को मेंटेन करेगा, अपने स्टैंडर्ड से करेगा, अगर वो 5-स्टार होटल का मालिक है
तो बच्चे का खर्चा उसी हिसाब से देगा, अगर वो क्लर्क है तो बच्चे का खर्चा उसी हिसाब से देगा अपनी सैलरी के हिसाब से और मेंटेन करेगा, उसको बच्चा मेंटेन करना है, ये बाप की जिम्मेदारी है, माँ की नहीं है। माँ चाहे जॉब करती भी हो तो भी माँ की जिम्मेदारी नहीं है बच्चे को मेंटेन करना, ये बाप की जिम्मेदारी है। तो ये तो मैंने आपको जर्नल पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दिया और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भी बता दिया। सर छोटी बेटी मेरे सीने पे सोती है, हाँ हाँ, मुझे बहुत प्यार है उससे, वो तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उसे छोड़ दूं, सिवाय उसको, यानी मैं किसी को नहीं छोड़ सकता, सारी मेरी जान है, मेरे पास सोती है, मेरे पास मेरे मगर छोटी ज्यादा अटैच हो गई है, मैं उसके साथ खेलता हूँ, मेरा ऑफिस के बाद जो घर में कैसे टाइम एक्सपेंड होता है वो बच्चों के साथ एक्सपेंड होता है, तो मैं कैसे चाहूंगा कि मैं इनको हवाले कर दूं। जैसा वो तो अब बराबर में वो सोएगी, वैसे ही ये कोई ड्रामा फैमिली है जैसा, मैं आपको ये बता, अब तो वो कह रही है कि बराबर में वो सोएगी, तो फिर वो छोटी गले में हाथ डाल के कैसे सोएगी, देख ले आप ज़हनियत क्या बोल रही है, ये तो हकीकत होगी ना, आप क्या बात कर रहे हो। और फिर एक चीज और सर, इनसे ये कहें, ये वादा करें कि जब इनको अगर बेटी पहली बेटी होती है तो ये फिर तीसरी शादी करेंगे, ठीक है ना, इनको तो बेटा चाहिए ना, बेटा चाहिए, आप बेटे के लिए करो, चौथी तक करे, इतनी अक्ल की बात आपने इतनी देर से क्यों की, बस सर आपने 30-40 मिनट ऐसे अब मैंने दिल पे पत्थर रख लिया ना, अब मैं इनको खुद इजाजत देती हूँ। अच्छा ये सारी अक्कल की बातें अब आ रही हैं, क्या करूं, तो ये जब औरत मजबूर हो रहे हैं, जब औरत दिल पर पत्थर रखती है तो फिर वो अक्कल की बातें करने लगती है। अब इनको कहें कि अगर इनसे बेटी होती है तो ये तीसरी क्या चौथी मैं करवाऊंगी, सब कुछ मैं करवा के दूंगी हर चीज, अगर बेटा नहीं हुआ तो मैं चार करूंगा, नहीं अगर ऐसा होगा तो फिर मैं आपसे शादी, बेटा नहीं हुआ तो फिर तीसरी करेंगे, चौथी भी करेंगे, मोहब्बत निकाह हो गई यहाँ पे पूरी, मोहब्बत तो है, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी अगर ऐसा होगा तो, अपनी जगह मोहब्बत है लेकिन इनकी पूरी ड्रामा फैमिली, पूरी ड्रामा फैमिली बैठे हुए होते, आज मैं इनकी फर्स्ट वाइफ होती, क्यों, क्योंकि ये आंटी और आंटी ने टेस्ट पास कर दिया, आंटी ने इनकी मदर को बहुत ज्यादा उकसाया, शैतानी जहन है पूरा, क्यों, क्योंकि इतना उकसाती थी, मतलब अपनी बेटी को तैयार करवा करवा के लाना, अभी आपने शुरू में सुना चाय लेकर आ रही है बड़ी अच्छी से तैयार होके, आड़े टेढ़े रिश्ते दिखाती थी, अपनी बेटी को आगे प्रेजेंट करती थी ताकि बस मेरी बेटी किसी भी तरह दानिश को जाए, मुझसे मुझे दूर करने वाली ये खातून है, पूरी ड्रामा कोई नहीं आनी, बस दानिश आपके सामने रिश्ता भी मेरा इन्होंने लगवाया, ठीक है, तो आप खुद आप जज कर सकते हैं इनकी मेंटालिटी। अब जो इनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है और आपके मियाँ भी एग्री हो गए हैं, तो होने वाले मियां समझे जी जी, तो अब इसमें आप ये देखिए कि अब इसमें आपका क्या रिएक्शन है। उस लड़की ने कहा कि मैं इस शर्त पे इजाजत दे रही हूं कि ये जब इनकी बेटी पैदा हुई तो फिर ये तीसरी शादी करेंगे, लेकिन लड़के करेंगे के लिए। पहली बेटी वो भी गई तो दूसरा भी बेटा हो बेटा सकता हो सकते है, तो चार बेटी है ना, और दूसरी बात ये कि डेफिनेटली वो मुझे चाहते हैं तो वो कभी भी तीसरी पे नहीं जाएंगे, बस वो बेटा करने की सूरत कॉन्फिडेंट हूँ बेटे के ऊपर। अच्छा अब आप सुनिए, वो कह रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं इनकी मोहब्बत पे, लेकिन वो बेटे की मोहब्बत में थर्ड के लिए ही रेडी, थर्ड के लिए दानिश मैं नहीं आपको इजाजत दूंगी, वो कहती है मैं करा के दूंगी, नहीं नहीं वो फिर खैर। तो अब ये सोच लें, देखें बड़ा इन्होंने बड़ी देर से ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, वो मैं तो आंटी को कह रहा था कि कोई मुझे गाइड करें, असिस्ट करें कि किधर मैं लेकर जाऊं, फैसला समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि शरई कानूनी हर तरह के हकूक हैं, आप डिप्राइव नहीं कर सकते किसी को, लेकिन अब ये जो लेके आई है प्रपोजल और भाई ने फौरन एग्री कर लिया दानिश मियां ने, बस दानिश साहब आप ये देखिए इसको भी अगर बेटी हुई ना तो फिर आप इसको छोड़ के तीसरी शादी करेंगे और फिर उससे बेटा पैदा नहीं होता तो फिर चौथी शादी मैं खुद करवाऊंगी आप। वैसे तो दानिश ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर बेटी हो भी जाती है तो फिर मैं शादी नहीं करूंगी। माँ बेटी क्यों देखे शैतानी जहन है, हम दोनों को लड़ाने में लगे हुए, लेकिन पॉइंट ढूंढ के लाई है, नहीं वो सही है, मैं इस पे कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन आप मैं ये कह रहा हूँ पहले बता चुकी हूँ फैमिली है ये लोग, हम लोग शादी करने जा रहे हैं बना के बिठा दिया, ठीक है ना, ये इनसे भी आप तीसरी कर, अगर बेटा नहीं होता है इनको
बेटी होती है तो आप तीस साल की मैंने कह दिया मुझे तो चाहिए मुझे तो अपनी विरासत चलानी है तीसरी या चौथी उसको कैसे अभी तकलीफ हो रही है मैंने आपके फैसला तो मैंने ही करना है लेकिन अब बात तो ये है कि वो खातून अब फिर रही है दानिश भाई अब देखिए बात वो कहां से आपने कहा शैतानी दिमाग है देखिए मैं उसको पॉजिटिव लेके कह रहा हूँ कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की है इसलिए कि मैंने आंटी को कहा था कि भाई एक बुजुर्ग आदमी हमारे में बैठा है आप देखो आपने देखा ना उन्होंने क्या कुछ नहीं दोबारा से पूरा वही शातिरपन आपको दिखा रही है कि मैंने शातिर खातून से क्यों लिया और उसने क्यों तो देंगी ना ऐसी क्यों दी है जो क्या बात है तुम्हारी तो क्यों देंगी तो पूरी फिल्म बना रही है कि दानिश मेरे हो वो तो चाहती ही नहीं है वो तीसरी से है या चौथी से है तीसरी चौथी के आप मेरे सामने बात नहीं कर सकते दानिश बात तो समझो वो लड़ा रहे हैं हमें लेकिन आप उनके सामने तुम भी उस तरफ हो रही हो आप उनके सामने तो एक्सेप्ट नहीं करो ना इस तरह की बात अगर समझने की बात करती सबके सामने बोलो तीसरा भी कर लोगे समझो उनको कहना पड़ेगा नहीं मगर वो तो देखे ना वो कमिटमेंट ले रही है थर्ड मैरिज की और आप दे रहे हैं सर वो मंजूर नहीं कर रहे वो आप इससे हो जाएगा तीन चार वो तीसरी चौथी करेंगे ना तीसरी शादी अगर इनसे नहीं होती औलाद पता क्या है वो खातून तो बड़ी क्लियर है कि अगर ये तीसरी शादी की बात करते हैं तो शी इज नॉट रेडी टू मैरी हिम अच्छा ये बड़े इस वक्त लालच में आए हुए हैं उनके साथ शादी करने के अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हो जाएगा लड़का उसमें से हो जाएगा फिर वो उसको समझा रहे हैं कि ये हमें लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो लड़ो मत अच्छा फिर नहीं वो ठंडी हो गई पहले वो गर्म थी कहने लगी नहीं करूंगी फिर इन्होंने दाना डाला वो उसको भी तो मोहब्बत है ना कहती मेरी पहली मोहब्बत है तो वो फिर मोहब्बत वाली नहीं तो वो फॉरन डिफ्यूज हो गई फिर दोबारा तैयार हो गई एक्चुअली जज साहब हम कजन भी हैं मुझे पता है कजन भी थे हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी अंडरस्टैंडिंग्स भी है चलिए आज का केस फैसला करने के लिए बहुत ही मुश्किल था सुनने के लिए बहुत ही दिलचस्प था इसलिए कि दानिश भी माशाल्लाह खूबसूरत मॉडर्न एंड हैंडसम मैन अकलमंद और सक्सेसफुल बिजनेसमैन फिर उनकी होने वाली जो स्पाउस है वो भी माशाल्लाह तालीम याफ्ता और वर्ल्ड घूमी हुई है सारी तो बड़ा अच्छा लगा दोनों से गुफ्तगू करके और फिर ये खातून माशाल्लाह ये भी ग्रेजुएट हैं एंड फ्रॉम ए वेरी गुड फैमिली और उनकी मदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं तो सच्ची बात यह है कि केस सुनने की हद तक तो बहुत मज़ा आ रहा था लेकिन केस का फैसला करने के लिए सच्ची बात है जान निकल रही है लेकिन अब चूंकि मेरा काम है फैसला देना अब वो पॉपुलर फैसले हर वक्त नहीं होते हैं कभी कभी फैसले ऐसे भी होते हैं कि कुछ लोगों को पसंद नहीं आते आई डोंट माइंड क्योंकि फैसला तो मुझे कानून के मुताबिक देना है और चाहे वो अनपॉपुलर हो या पॉपुलर हो तो अब बात क्या है कि आपने इनको कंडीशनल इजाज़त दे दी है शादी की ठीक है तो उसमें आपकी कंडीशन ये है कि बच्चियों की कस्टडी आपके पास रहेगी वो तो कानून है मैं उसको चेंज भी नहीं कर सकता और वो आपके पास रहनी है अच्छा अब रिहाइश का क्या है आपने उसी घर में रखनी है या रिहाइश वो घर मेरे नाम पे अच्छा है ये आपके नाम तो बस ठीक है फिर तो ऊपर रहना है नीचे रहना है नहीं तो घर मेरे नाम है ये अब उनको देगी ये कहीं और रखे उनको बिल्कुल अच्छा ये खुद भी रहे उनके साथ हाँ खुद भी साथ रहे बिल्कुल अच्छा चलो दो बातें हो गई जी। ये दूसरा घर लें और वहाँ दोनों मियाँ बीवी खुशी से रहें आपसे ताल्लुक खत्म बिल्कुल लेकिन डिवोर्स तो नहीं होगी ना बस रहेंगी बीवी नहीं 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 है बिल्कुल ये डिवोर्स दे रहे हैं ना बोल तो नहीं 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 डिवोर्स नहीं दे रहे वो भी होने भी नहीं दूंगा ऐसे बच्चियों की माँ हो कैसे करोगी कल चार बच्चियों की शादी करनी है तो निकाह में कहते हैं कि बाप को लेके आओ बस सही है हाँ तो उधर किधर किस कहाँ से लाओगी फिर ठीक है ना तो शादी रहेगी
अच्छा मेंटेन करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो इजाजत हो गई, ये चारों बच्चियों की कस्टडी आपके पास रहेगी, और वो 36वीं जो शर्त है आपकी, वो जो कह रहा है आग लगा रही है, वो भी बता दूं, लौट के ये यही आएंगे, है ना, रिवर्स गियर आएगा ना, तो इसीलिए तो मैंने खुला नहीं करने दिया। अच्छा तो भाई तीसरी जो शर्त है, अब वो खैर अब फ्यूचर की बात है, तीसरी और चौथी शादी वाली, वो इनका कहना ये है, मैं उसको शर्त नहीं रखता, लेकिन वो इनका एक मैसेज है आप तक पहुंचा दूं कि अगर इसमें से बेटा ना हुआ तो फिर आपने तीसरी शादी भी करनी है, और तीसरी से ना हुआ तो फिर चौथी जो है ये खुद कराएंगी, तो ठीक है चले। तो इस नोट के ऊपर आपको दूसरी शादी की इजाजत है जी, तो आपको बहुत मुबारक हो दोनों को, और खुशी व खुर्रम रहें, और अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और बेटा भी दे, हमारी दुआ है। अदालत बर्खास्त होती है। दो तीन लाख रुपए की बहुत अहमियत होती थी, तो मैंने 2 लाख रुपए इनको दिए थे। उसके दोनों पेरेंट्स डेड, और मतलब मकान आपका हो गया कर्जे में, ज्यादा बढ़ गई है, ये जवान लड़का आपका भाई कैंसर में चला गया, तो आप लोग रोक नहीं सके इसको, जब गुटखा खाता था